नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। एक बज चुके हैं, एक बजे के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ममता के उस नाटक की जिसका दी एंड अप हो चुका है। कैसे? कोलकाता सचिवालय के बाहर सेना की तैनाती को लेकर ममता सरकार का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया है। ममता बनर्जी के इन दावों की सेना ने उन दस्तावेजों के जरिए हवा निकाल दी है। जी न्यूज के पास भी वो चिट्ठियां मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो सेना ने पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस एक्सरसाइज की जानकारी देने के लिए लिखी थी। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था कि ये एक्सरसाइज 72 घंटे की है और इन लेटर्स पर पश्चिम बंगाल की रिसीविंग की मोहर भी लगी हुई है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर किस आधार पर ममता बनर्जी ये दावा कर रही थी कि उनकी सरकार की जानकारी के बगैर सेना ने एक्सरसाइज की है। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना पर सवाल उठाने को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पर्रिकर ने इसे राजनीतिक कुंठा करार दिया है। ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक तो सेना की उस एक्सरसाइज की जिसे लेकर ममता बनर्जी ने खूब ड्रामे किए थे। कल सचिवालय पर मौजूद रही पूरा टाइम कि जब तक सेना नहीं जाती हम वहां से नहीं हिलेंगे। बहरहाल अब वो पोल खुल गई है। कैसे? ये लेटर आप देखिए, हमने बकायदा आपके लिए आसानी हो उसके चलते बॉक्स में जो अहम जानकारी है उसे आपके लिए रखा हुआ है। ये देखिए, अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए पूजा मेहता, मेरी सहयोगी, जी मीडिया संवाददाता, कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गई, उनका रुख करते हैं। पूजा, अब तो दी एंड हो गया, अब आप और क्या एक्सक्यूज देंगे? पहले आप कहते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए थी, अब वो पूरी पूरी की पूरी जानकारी उन चिट्ठियों में जो कैद है रिसीविंग की मोहर के साथ, वो आप सामने आ गई है। जी बिल्कुल रूबिका, आप देखिए जब ये आर्मी ने 7 चिट्ठियां हैं जिनको पब्लिक किया गया, आज जो ऑफिशिएटिंग जीओसी है मेजर जनरल सुनील यादव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये 7 चिट्ठियां दिखाई जहां पर ये साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोलकाता पुलिस जो है, उनको इन्फॉर्म किया जा चुका था। लेकिन दूसरी ओर जब ये चिट्ठियां पब्लिक होती है उसके साथ ही साथ कोलकाता पुलिस ने एक और चिट्ठी पब्लिक की जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था 25 तारीख तक। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर 25 नवंबर को वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि विद्यासागर सेतु पर ही एक्सरसाइज नहीं की जाएगी ताकि ट्रैफिक मूवमेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, तो 27 तारीख को जब आर्मी ऑफिसर्स रेकी के लिए गए थे तो क्यों उनके दो अफसर वहां पर गए थे? मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि कोलकाता पुलिस के दो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर 27 तारीख को इसी विद्यासागर सेतु में जाते हैं आर्मी जवान के साथ जहां पर एक ज्वाइंट रेकी की गई थी। उसके बाद वर्बली ये खाल एकदम साफ तौर से बता दिया गया था कि ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो 30 तारीख से की जाएगी। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी के अब इरादे क्या हैं। वाकई पूजा, बने रहिएगा। आपने एक और बहुत अहम जानकारी यहाँ पर दी है कि रेकी के दौरान वहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस मौजूद रहती है। उधर ये कहते हैं कि भाई हमने तो ऑब्जेक्शन उठाया था, और यहाँ दुनिया के सामने आप ये बात रखते हैं कि हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सेना सरप्राइज में आकर ये एक्सरसाइज कर रही है। बहुत सारे लूपहोल्स यहाँ नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर जो ममता बनर्जी ने उठाया। पूजा, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन इस पर बयान आने अब शुरू हो गए हैं। संसद में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, और उधर राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। टीएमसी सांसदों ने इस बात पर हंगामा किया कि सरकार को सेना की तैनाती की जानकारी नहीं दी गई थी, और आप मेरी सहयोगी पूजा को अभी सुन रहे थे कि बकायदा रिसीविंग है, रिसीविंग तो रिसीविंग, रेकी के लिए दो पुलिस के अधिकारी भी जाते हैं सेना के साथ। रक्षा मंत्री पर्रिकर के मुताबिक यह 15-20 साल से चला आ रहा एक्सरसाइज का तरीका है, कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी एक्सरसाइजेस की गई है। जी न्यूज के पास ये जो चिट्ठी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ये वही चिट्ठी है जो सेना ने तैनाती से पहले प्रशासन को बकायदा भेजी थी। इस चिट्ठी में ये साफ लिखा था कि 72 घंटे के इस अभ्यास के लिए प्रशासन को इंतजाम करने के लिए कहा गया है। अचानक देखा गया 20-30 आर्मी वैन आ गया उधर, और टोल प्लाजा को दखल कर लिया, और सारे व्हीकुलर ट्रैफिक जो आ रहे थे उनका नंबर टोक रहा था, उसमें क्या स्टिकर लगा रहे थे। क्यों और कैसे ये किया गया? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जानकारी नहीं था, कभी नहीं बताया गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को
कि ये कार्रवाई हो रहा है कि सेना की तरफ से। मैं सेना को कोई कंट्रोवर्सी में नहीं लेना चाहता हूं, नहीं लूंगा कभी भी। जिस तरह कल 17 जगह सिर्फ हावड़ा में नहीं, सिर्फ नवान्न में 19 जगह में, बंगाल की 19 जगह में सेना तैनात किया गया और बंगाल की प्रशासन को, पुलिस अधिकारी को बिना बताए किस कारण हो रहा है। टीएमसी के सुखेंदु शेखर को आप सुन रहे थे। बकायदा पार्लियामेंट में बगैर किसी होमवर्क के वो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। मैं होमवर्क का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो लेटर बिल्कुल मेरे पास वाले बॉक्स में आपको नजर आ रहा है जो सेना ने लिखा है वहां के प्रशासन को। टीएमसी के दावों की सेना के दस्तावेजों ने पोल खोल दी है, अब ये कहने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी संसद में बताया कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। सुनिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। बाकी राज्यों में राज्यों के साथ ईस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज बंगाल, आसाम, अरुणाचल और अन्य सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अभी जारी है। उसके पहले यूपी, झारखंड, बिहार में भी हुआ है। इस बारे में Please, you complete your statement. इस बारे में सेना ने इस बरस भी अलग अलग राज्य में कंसर्न ऑफिशियल को इस राज्य में वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कॉन्ट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। ये केवल पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। पूजा मेरी सहयोगी लगातार वहां पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, अब जरा हमें इसकी जड़ में ले जाइए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ममता बनर्जी को पता नहीं हो कि ये लेटर मिला हुआ है, या उनके बाकी सांसदों को पता ना हो कि लेटर मिला हो, या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने ममता को ये ना बताया हो कि साहब हमें लेटर मिल गया है, हमने ऑब्जेक्शन भी उठाया लेकिन रेकी के लिए हमारे दो अधिकारी भी गए थे। तो फिर देश के सामने ये झूठ रखने के पीछे मकसद क्या था? देखिए रूबिका, मैं ये साफ कर दूं कि ये जो आर्मी की एक्सरसाइज होनी थी, आर्मी ने दो बार इस पर दो बड़े एडजस्टमेंट्स और चेंजेस किए थे। पहला एडजस्टमेंट और चेंज आया जब वो चाहते थे कि वो 28 तारीख से शुरू करना चाहते हैं ये 3 दिवसीय ये एक्सरसाइज। तब पुलिस की ओर से ये बताया गया था क्योंकि पूरे देश में आक्रोश दिवस के तहत ऑपोजिशन पार्टीज रैलियां करेंगी और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बंद बुलाया था तो उस दिन ना किया जाए। आर्मी ने बोला एक चिट्ठी के द्वारा कि ठीक है वो 28 को नहीं करके 30 से लेकर 2 तारीख तक ये एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा बड़ा चेंज आया जब वो रेकी करने गए थे विद्यासागर सेतु के टोल प्लाजा पर, जो पश्चिम बंगाल के सचिवालय के एकदम सामने है, करीब बहस 200 मीटर की दूरी पर है। तो उनको बताया गया कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट है, लेकिन आर्मी ने बताया कि ट्रैफिक मूवमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चाहे तो इसे हाफ वे करके वो किया जाएगा। लेकिन जब ये दो बड़े चेंजेस कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सभी को लूप पे रखा गया था और उसके बावजूद देश को ये कहा जाता है कि हमें जानकारी दिए बगैर सरप्राइजिंगली ये सेना यहाँ पर पहुंच जाती है, एक्सरसाइज करने लगती है। वसूली तक के देश की सेना पर इल्जाम लगाए जाते हैं महज इसलिए कि एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया वो पूरा का पूरा आक्रोश दिवस से लेकर कोई भी बंद जो लेफ्ट में बुलाया। तो अब नया मुद्दा ममता बनर्जी, लगता तो अब ये ऐसा ही है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।